हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं और PYQ करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम, DRT। ये टॉपिक गेट बायोटेक्नोलॉजी, JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, PhD, थर्ड IIT जैम, इन तीनों एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, DRT। पहले हम समझेंगे DRT होता क्या है, DRT की कैलकुलेशंस क्या है, एंड देन हम IIT जैम एंड JNU बायोटेक्नोलॉजी PhD एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे DRT से रिलेटेड। DRT मीन्स डेसिमल रिडक्शन टाइम, डेसिमल रिडक्शन टाइम, इसको हम डेसिमल रिडक्शन डोज भी बोल सकते हैं। डेसिमल रिडक्शन डोज, ये एक माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम। होता क्या है, DRT स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है। जब भी हम कोई भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम स्टेरिलाइज करते हैं चीजों को, या हम किसी भी रूम में परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट तो हम रूम को भी स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंट से, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेलाइजेशन परफॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम स्टेलाइजेशन केमिकल्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट और स्टेलाइजेशन एजेंट्स और केमिकल्स प्रोवाइड करके वहाँ के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं, या हम हीटिंग मेथड के थ्रू स्टेलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। हम हीट कर सकते हैं उस सब्सटेंस को जिसकी वजह से वहाँ के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएं और वो हमारा सरफेस स्टेराइलाइज हो जाए, वो सरफेस हमारा स्टेराइलाइज हो जाए, दैट इज स्टेराइजेशन। अब जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं स्टेराइजेशन के लिए, तो उस मेथड का कुछ ना कुछ DRT होता है, कुछ ना कुछ DRT होता है, कुछ ना कुछ टाइम होता है। ये वो टाइम है जिस टाइम में उस सरफेस से 90% बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, 90% किल हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओनली 10% रिमेन रह जाए। कोई भी हीटिंग टेम्परेचर का DRT या कोई भी डिसइंफेक्टेंट का DRT मींस वो टाइम वो डोज जिसमें हमारे जो लिविंग माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो पहले से 90% किल हो जाए, only 10% रहे, उसी टाइम को हम बोलते हैं DRT, डेसिमल रिडक्शन टाइम। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम कोई भी टाइम या टेम्परेचर, जब भी हम कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टाइम के साथ साथ हमारा क्या होता है, टाइम के साथ साथ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वायबिलिटी है हमारी, वो कम होती चली जाती है, और वो बहुत तेजी से कम होती है, एक्सपोनेंशियल फेस में कम होती है, लॉग फेस में कम होती है, बहुत तेजी से कम होती है। तो उसी टाइम को जब वो 90% किल हो जाते हैं, 10% बचते हैं, उसी टाइम को बोलते हैं उस डिसइंफेक्टेंट का जिसको हम यूज कर रहे हैं केमिकल को, या उस टेम्परेचर का वो टाइम जिस टेम्परेचर में वो 90% किल कर रहा है, उस टाइम को बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन डोज और डेसिमल रिडक्शन टाइम। जैसे कि हमने टेम्परेचर दिया 120 डिग्री सेल्सियस, उसमें ओनली 5 मिनट में 90% बैक्टीरिया किल हो गए, only 10% बचे। सो हमारा D120 इज इक्वल्स टू हो गया 5 मिनट्स। DRT को हम डिनोट करते हैं D से,
तो जो डी की वैल्यू आई 120 डिग्री सेल्सियस के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर, वो आई 5 मिनट, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट था उसकी डी वैल्यू हुई 10 मिनट। मतलब वो डिसइंफेक्टेंट, वो सॉल्यूशन 10 मिनट्स में उस सरफेस से 90% बैक्टीरिया को किल कर देगा, ओनली 10% रहेंगे बैक्टीरिया, वो उस डिसइंफेक्टेंट की डीआरटी वैल्यू होगी। जितना लोअर डीआरटी होता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट का, लोअर डीआरटी होता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट का, उतना ही गुड डिसइंफेक्टेंट होता है, उतना ही गुड वो केमिकल होता है। इट मींस इतने लोअर टाइम में 90% बैक्टीरिया को किल करना, ओनली 10% बैक्टीरिया का रहना, वो उस केमिकल का डीआरटी होता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? ये लॉग है, एक्सपोनेंशियल फेज में रिड्यूस कर रहा है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई लॉग एन नॉट माइनस एन टी। टी हो गया टाइम, कितने टाइम में हमारा वो किल करेगा, जो भी ये हमें पूछा जाएगा कि कितने टाइम में किल कर रहा है बैक्टीरिया। डी हो गया वो टाइम जिस टाइम में वो 90% किल कर रहा है, वो टाइम। एंड नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की। एनटी हो गया जो हम फाइनल ले रहे हैं, उसमें आएगा कि इनिशियल इतनी थी, तो इतनी होने में, इतनी फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी हमने केमिकल डिसइंफेक्टेंट डाला तो इनिशियल हमारी दे दी जाएगी, इतने बैक्टीरिया है, अब इतने होने में एनटी मतलब जो फाइनल बैक्टीरिया का नंबर है वो होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना होगा। और हमें उस केमिकल का डीआरटी मतलब डी डेसिमल रिडक्शन टाइम भी गिवन होगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूले से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन। आते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले से एग्जामिनेशन में। हमारा जेएनयू का एग्जाम हो गया, डीयू का एग्जाम हो गया, गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो गया, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो गया, इन सब में डीआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जेएनयू का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का डीआरटी से क्वेश्चन। द डेसिमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया सीडल एजेंट मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं वो एजेंट, उसकी जो डी वैल्यू वो है हमारी 5 मिनट। कितनी 1% सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो है हमारी 5 मिनट। मतलब इस केमिकल को हम सिर्फ 1% यूज करेंगे तो 5 मिनट में हमारा कितने बैक्टीरिया का सफाया कर देगा, 90% बैक्टीरिया का सफाया। If a culture as initially 5×10^6 live bacteria, the number of live bacteria after 15 minute of exposure. फिर हमें बोला है कि initial concentration जो है वो हमारा 5×10^6 है, तो 15 minute के exposure के बाद कितने bacteria बचेंगे? Time क्या दिया है इसमें? 15 minute। उसके एक्सपोजर के बाद कितने बैक्टीरिया बचेंगे, मतलब हमें एनटी निकालना है। या तो हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए, 5 मिनट में 90% किल हो जाते हैं, ओनली 10% बचते हैं। डीआरटी है हमारा 5 मिनट। अब आप बताइए कि 5 मिनट में 90% किल हो जाते हैं, ओनली 10% बचते हैं, तो 15 मिनट में कितने बचेंगे? हमारा इनिशियल है 5×10^6। 5 मिनट बाद ओनली इसका 10% पार्ट बच रहा होगा, तो इसका 10% ही निकाल लेते हैं। 10% निकाला हमने जब इसका, तो हमारा आता है, कट हो गया तो आता है 5×10^5। इतने बैक्टीरिया बचे 5 मिनट बाद। फिर हमने बात करा कि अगले 5 मिनट बाद इसका 10% बचेगा, इसका 10% फाइंड कर लेते हैं,
10% इसका हो जाएगा हमारा 5 × 10^5, इसका 10% हो गया 5 × 10^4। तो मीन्स 10 मिनट्स बाद, पहले 5 मिनट हो गए, फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट्स बाद हमारा 5 × 10^4 बैक्टीरिया बचे। 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो हमारा 5 मिनट बाद इसका 10% बचेगा। तो 10% निकाल लेते हैं इसका, 5 × 10^4 हमारा आ गया 5 × 10^3। तो मीन्स नेक्स्ट 5 मिनट बाद, नेक्स्ट 5 मिनट बाद हमारा 5 × 10^3 बचा। ओके, मीन्स टोटल पहले 5 मिनट का निकाला, फिर 5 मिनट का निकाला हमने, फिर 5 मिनट का निकाला, टोटल 15 मिनट के बाद, टोटल 15 मिनट के बाद हमारा कितना बचा, 5 × 10^3 बैक्टीरिया बचे। मीन्स करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ए आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं, एक मैंने ऐसे करा दिया, एक मैं फॉर्मूले वाइज बता देती हूँ। ओके, तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था कि 15 मिनट है, 5 मिनट बाद 10% बचता है, तो पहले हम उसका 10% निकाल लेंगे, फिर जो बचा उसका 10% निकाल लेंगे, फिर जो बचा उसका 10% निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो हमारा IIT जैम में आया हुआ है 2019। द डेसिमल रिडक्शन टाइम DRT और D वैल्यू ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज 1 मिनट। इसमें बोला है कि जो हमारी DRT वैल्यू है, D वैल्यू है, वो हमारी 1 मिनट है। इफ अ सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर कंटेन एन इनिशियल पॉपुलेशन 10^6 सेल, हमारी जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 10^6 सेल, then time t required to reduce the number of bacteria to 10. अब final हमारी 10 बचे, इसके लिए हमें कितना time लगेगा, ये हो रहा है हमारा heat treatment के through। last question हो रहा था हमारा chemical, कुछ भी हो सकता है, chemical disinfectant भी हो सकता है और heat treatment भी हो सकता है। normal formula apply कर देंगे, t is equals to d multiply log n naught minus log n, d की value हो गई 1, log n naught की वैल्यू है 10^6 माइनस log 10, log 10^6 क्या हो गया 6, log 10 माइनस log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, 6 माइनस 1 आ गया 5। मीन्स 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को 10^6 से बैक्टीरिया 10 बचने, जब DRT हमारा क्या है, हीट ट्रीटमेंट का। हीट ट्रीटमेंट का DRT मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जो इसमें मेंशन नहीं किया है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर का DRT दिया है। हीट में स्पेसिफिक टेम्परेचर का DRT देते हैं, केमिकल्स में स्पेसिफिक केमिकल का DRT देते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 5 मिनट। ओके, ये है हमारे डेसिमल रिडक्शन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखिए गेट बायोटेक्नोलॉजी में, JNU बायोटेक्नोलॉजी PhD में, थर्ड हमारा IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें DRT से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।